हेलो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ADHD, ये बच्चों के बीमारी के बारे में। ADHD यह अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसका ऐसा फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली एनर्जेटिक हो जाते, हाइपर हो जाते, हाइपर एक्टिव हो जाते, और अक्सर माता पिता की एक कंप्लेंट रहती है कि बच्चा हमारा एक जगह पे बैठन, कुछ सेकंड तक बैठेगा एक जगह पे और फिर यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, टेबल पे चढ़ेगा, कुर्सी पे चढ़ेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, मतलब कहीं खिड़की के ऊपर चढ़ जाएगा, एक जगह वो बैठता नहीं है। माता पिता की कंप्लेंट रहती है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ये पढ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि पढ़ाई में एक जगह बैठ नहीं पाता है। जैसा इसके पैर को चक्के लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं, ऐसा इधर से उधर, उधर से इधर घूमेगा। ये जो बीमारी है ये अक्सर 4 से 7 साल की उम्र में उभरती है, शुरू होती है, और करीब करीब 7 से 9% बच्चे कुछ ना कुछ मात्रा में इससे अफेक्ट होते हैं ADHD बीमारी से। बच्चों में, मतलब लड़कों में 3 गुना ज़्यादा लड़कियों से ये बीमारी दिखती है। वैसे ये बच्चे होशियार रहते हैं, मतलब इंटेलिजेंस वाइज ये बच्चे होशियार रहते हैं, मगर वो एक जगह बैठ नहीं पाते, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो उनके दिमाग में घुसता नहीं है पढ़ाई कुछ भी, तो फिर पढ़ाई में पीछे हो जाते। ये बच्चों में गुस्सा करना, मारपीट करना, कभी वायलेंस हो जाना। अच्छा, माता पिता को ये लगता है कि अपना, मतलब शुरू शुरू में जैसी बीमारी शुरू होती है तो उनको लगता है कि अपना बच्चा बहुत एक्टिव है, तो कभी उसकी तारीफ भी करते हैं कि हमारा बच्चा देखो कितना काम करता है, कितना धूमधाम करता है, शोर शार करता है, उनको अच्छा लगता है बाकी बच्चों से बहुत एक्टिव है करके। मगर जैसे जैसे ये एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ते जाती है, फिर वैसे वैसे सबको घर में तकलीफ शुरू हो जाती है। फिर ये बच्चा मार भी बहुत खाता है सबका, क्योंकि कुछ ना कुछ ये गिरा देगा, तोड़ फोड़ देख कर देगा, फिर माँ बाप बहुत गुस्सा करेंगे तो पिटाई करेंगे उसकी, मतलब ऐसा काफ़ी सारा, मतलब तकलीफ वाला काम घर में हो जाता है। फिर कभी कभी गाली गलौज करेगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, तो फिर वो ये बच्चों को डॉक्टर के पास में जल्दी लाते नहीं है, मतलब इनको ऐसा लगता नहीं कि ये मानसिक बीमारी है करके। माँ बाप लेके कहीं ना कहीं घूमेंगे, इधर उधर करेंगे, फिर आखिर में साइकेट्रिस्ट के पास में, मनोविकार तज्ञ के पास में लाते हैं। ये बीमारी का कारण जो है अभी तक पूरा पता नहीं है, कोई बोलते कि जेनेटिक कारण है ना, जीन्स में कारण है इसका, या फिर बोलते कि केमिकल लोचा है, मतलब ब्रेन में जो केमिकल्स है उसकी मात्रा कम अधिक प्रमाण में होने से ये बीमारी होती है। तो ऐसे अलग अलग हाइपोथेसिस है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो है कि भाई बच्चों को हम यदि रिलैक्सेशन सिखाते हैं, रिलैक्स कैसे करना, एक जगह कैसे बैठना है, इसके लिए उसको रिवार्ड थेरेपी, मतलब कंडीशनिंग उसको करना, ऑपरेंट कंडीशनिंग मेथड, कि जैसा उसको एक जगह बैठता है तो उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड देना, गिफ्ट देना, प्राइज देना, या उसको रिलैक्सेशन सिखाना बच्चे को, एक जगह एक कमरे में बैठने के लिए, मतलब वो बैठता है तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दी जाएगी, या उसकी तारीफ करना, प्रशंसा करना, ऐसा, मतलब अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम उसको सिखाते रहे, मतलब सिखा सकते हैं, और माँ बाप को ही बता सकते हैं कि भाई इसके ऊपर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा करने से कुछ होता नहीं, मारपीट नहीं करना। अभी जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयों में मिथाइल फेनिडेट नाम की जो गोली है, मिथाइल फेनिडेट, ये दवाई जो है, ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है, मतलब 10 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम रोज़ ये दवाई की मात्रा हम यदि देते हैं बच्चों को तो उसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। वैसे ही एटोमॉक्सेटिन करके गोली है, एटोमॉक्सेटिन, ये मतलब केमिकल नेम है, ये मिथाइल फेनिडेट ऑल्सो, मतलब वो भी एक केमिकल नेम है मिथाइल फेनिडेट। तो मिथाइल फेनिडेट, एटोमॉक्सेटिन, इनसे बनी हुई जो गोलियाँ हैं वो गोलियाँ बहुत अच्छा काम करती है। एटोमॉक्सेटिन 18 मिलीग्राम की गोली आती है, तो वो गोली दिया तो बच्चा काम डाउन होने में बहुत सहायता होता है, मतलब सहायता होती है। होता क्या है कि जिनको ये मालूम नहीं है वो उसको सोने की दवा देते डॉक्टर लोग, फिर सोने की दवा देके होता क्या है कि वो बच्चा सो जाता है, फिर सो के फायदा नहीं ना, क्योंकि उसकी बीमारी अच्छी नहीं होती है।
तो सोने की दवा देके फायदा नहीं, मगर बहुत ही उधम कर रहा है, बहुत धूमधाम कर रहा है, तो फिर क्वाइट करने की, शांत करने की भी दवाई उसको देनी पड़ेगी। तो पेरेंट का मतलब माँ बाप का काउंसलिंग, बच्चे का काउंसलिंग, बच्चों को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाना और दवा देना, ये सब हम करते हैं तो ये बीमारी में काफ़ी सारा फर्क पड़ सकता है। उम्र के हिसाब से भी ये धीरे 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 बच्चे अच्छे हो जाते हैं, मगर कुछ बड़े होने के बावजूद भी काफ़ी सारा एक्साइटमेंट में रहते हैं और फिर उनको मानसिक बीमारी फिर हो सकती है। तो ये बीमारी का इलाज है, आपको ये समझ में आया, आप लोगों को बताइएगा, लोगों को शेयर करो ये वीडियो, ताकि ऐसे जो बच्चे हैं उनको सही ट्रीटमेंट मिल के वो बच्चे अच्छे हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।